हेलो भोजपुरी फ्रेंड, स्वागत है आपको हमारे इस न्यू वीडियो में। तो अभी अभी मैंने देखा फर्स्ट पैन इंडिया भोजपुरी फिल्म महादेव का गोरखपुर का टीजर, और इस फिल्म में नजर आएंगे आपको रवि किशन, और वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है। फिल्म के टीजर की बात करूँ तो टीजर मुझे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगा है। विजुअल्स वाइज मतलब जितने भी कुछ दिखाए जा रहे हैं इस फिल्म के टीजर में, वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि हाँ, इस फिल्म पर पैसा लगाया गया और इस फिल्म को सीरियसली होकर बनाया भी गया। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत ही खराब लगी, आप इसको फर्स्ट पैन इंडिया भोजपुरी फिल्म बता रहे हो, लेकिन जो डायलॉग्स है ना भोजपुरी टीजर में, मैं आपको बताऊं तो स्टार्टिंग का एक डायलॉग भोजपुरी में बोल रहे हैं और उसके बाकी के आगे का लाइन हिंदी में बोल रहे हैं। तो वो चीज मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्या है इस फिल्म के टीजर में जो हो रहा है। बट ओवरऑल अगर टीजर की बात करूँ तो टीजर मुझे अच्छा ही लगा, और टीजर से आप लोग को पता चल जाएगा कि ये फिल्म पुनर्जन्म पे भी बेस्ड होने वाली है। साथ साथ इसमें रवि किशन का जो कैरेक्टर है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो शिव जी के अंश है। ये सब चीज़ें आपको टीजर देख के ज़रूर पता चलेगी। लेकिन सबसे जो बुरी चीज़ मुझे वही लगी कि आपका जो भोजपुरी बता रहे हो कि ये भोजपुरी फिल्म है, फर्स्ट पैन इंडिया भोजपुरी फिल्म, और जो आपका भोजपुरी डायलॉग है आप उसमें हिंदी जोड़े जा रहे हो, मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। ओवरऑल बाकी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और रवि किशन भी लग रहे हैं कि हाँ भोजपुरी इंडस्ट्री के वो महानायक है। तो जाइए टीजर देखिए, टीजर को मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टीजर को ज़रूर देखिएगा और इस फिल्म को सपोर्ट कीजिए। आप लोग की सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरी है इस फिल्म को। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।